राइज ऑफ हिटलर, नाजीज में अंदर राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के बारे में एक दिन तो मैंने इसी तरह कहानी बताई आपको, ये बता दिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह से जर्मनी के हारने के बाद उसके साथ वर्साइल ट्रीटी की गई थी। फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, पेरिस में वर्साय का एक बहुत बड़ा महल था जहां लुई 16 पले रहा था। वो तो बात कर अभी बात, हाँ हाँ ठीक कर, मैं समझ गया, थोड़ा एक बार लिंक बना दो। उसके बाद उस सरकार के गिरने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साइल ट्रीटी हुई और सारे के सारे खत्म हो गए, अधिकतर क्षेत्र छीन लिए गए, पूरी की पूरी जर्मनी की सेना खत्म कर दी गई, तो वहां की जनता इस अपमान का बदला लेना चाहती थी। ठीक है, तो इस मामले में वाइमर रिपब्लिक सामने आया जो नई सरकार आई, लेकिन ये भी बिल्कुल भी उस चीज पे खरे नहीं उतर रहे थे। वहां पे चाहिए था कि हमें हमारे जो क्षेत्र छीने गए थे वो वापस है जी, नवंबर का अपराधी कहा जाता था, बिल्कुल क्रिमिनल ऑफ नवंबर्स, नवंबर्स क्रिमिनल, मतलब कि ये नवंबर में ही, नवंबर के महीने में वर्साइल ट्रीटी की गई थी और कहा गया कि तुम ही वो अपराधी हो, तुम्हारे कारण ही पूरी जर्मनी की नाक कटे। ठीक है, जिसके कारण इतना मतलब अपमानजनक हम लोगों को पैक्ट या संधि करनी पड़ी। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक को देखिए, वॉर का इफेक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसी सिचुएशन बता दिया था, इयर्स ऑफ डिप्रेशन बता दिया था मैंने आप लोगों को, हिटलर्स राइज टू पावर। अब यहां पे आते हैं, देखिए, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर। पूरी जर्मनी के अंदर जो इकोनॉमी की स्थिति खराब हुई, राजनीतिक व्यवस्था में सब लोग, कोई कहीं से भी द्रोह के स्वर उठ रहे थे, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा था, तो मतलब कि इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्रधानमंत्री है जो बोलेगा जो होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई किधर से भी आया, कोई कहीं से बम फोड़ दे, कुछ भी कर दे, कोई कभी भी सरकार गिरा दे, सरकार बना ले, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वहां पर ऐसा नहीं था, और उसके साथ साथ सोसाइटी में भी बहुत सारा चेंज हो रहा था, सोसाइटी या समाज बट गया था, पूरा का पूरा जर्मनी का समाज, कुछ लोग डेमोक्रेसी को, वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले थे, कोई सोशलिज्म को या समाजवाद को सपोर्ट करने वाले थे, और कुछ सोचते थे कि इस अपमान का बदला या जर्मनी को फिर से है ना अपने पांव पे खड़ा करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जिससे पूरी दुनिया खौफ खाए, एक तरह का डिक्टेटर ही चाहिए। ठीक है ना जी, चांसलर, अभी भी बेटा जर्मनी के हेड को चांसलर ही कहा जाता है। एंजेलिना मोर्केल 20 या 25 ईयर्स तक पूरी जर्मनी की चांसलर रही, और अभी वो रिटायर किए, उनके जगह पे कोई और नया बन रहा है। द क्रैक हर 5 साल में शायद ये भी चांसलर होने के बाद बना, बोर्न हिटलर, देखिए बोर्न इन 1880, अब हिटलरवा के बारे में सुनिए, बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। इसका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ था, स्विट्जरलैंड के बंगल में जो कंट्री ऑस्ट्रिया, वहां पे इसका जन्म हुआ था, और इसने पूरा अपना जो बचपन था और जो भी जवानी थी, जो थोड़ा बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उस समय तक गरीबी में ही बिताया, घोर गरीबी में बिताया। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। मैसेंजर होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला, सेना की बात सेना तक, किसी एक बटालियन से दूसरे बटालियन तक पहुंचाने वाला, तो वो था, और इसको इसके लिए, इसके बहादुरी के लिए मेडल भी मिला, बहुत बहादुर था। सोचो जब इसको कोई मैसेज देता होगा आगे पहुंचाने के लिए, ये छोटा मोटा आदमी होगा, तो किसने सोचा होगा पूरी दुनिया हिला के रख देगा यार। हिटलर के बारे में पढ़ना देखिए, the German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. ठीक है, जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया,
तो ये बिल्कुल ही टूट गया, क्योंकि अपने देश से बहुत प्यार करता था, बहुत ही देशभक्त इंसान था, और वह हारने के तक तो ठीक था, लेकिन जब ये वर्साइल ट्रीटी हुई, वर्साइल की संधि हुई, जिसमें जर्मनी के हर क्षेत्र को उससे छीन लिया गया, अपमानजनक संधि थी, तो इसके कारण ये बहुत ही ज्यादा आपे से बाहर हो गया, मतलब इतना क्रोध से भर गया कि सोचता था कुछ भी करेंगे लेकिन इस सब चीज को खत्म करना है। बिल्कुल, बिना पगलेट आदमी दूसरा कोई करेगा ऐसा काम? पगलेट ही तो था। In 1919, he joined a small group called the German Workers Party. इसने 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो गई, उसके एक साल बाद ही 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers. और इसके बाद इसने इसका नाम चेंज किया, ये उसमें बड़ा लीडर, बड़े ओहदे पे आ गया, और इसने उसका नाम रखा National Socialist German Workers Party. His party came to be known as Nazi Party. और यही जो National Socialist German Workers Party थी, इसी को नाजी पार्टी आगे जाके कहा गया। तो याद रखिएगा, नाजी पार्टी कैसे आया था, सबसे पहले उसको जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। 1919 में इस पार्टी की स्थापना नहीं की थी, फाउंडिंग इसने नहीं की थी, इसको बनाया तो पहले ही किसी ने था, इसने केवल ज्वाइन किया था, और इसके ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे ये पावर में आगे बढ़ता गया। इसने उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, और इसी पार्टी को आगे जाके नाजी पार्टी के नाम से जाना। इस चीज को नोट्स में लिखना है आप लोगों को। इन 1923, अब देखिए 1923 का साल था, नॉर्डिक आर्यन कहते हैं, मैं तो बता ही रहा हूं। देखिए, अब इसकी, ये जो नॉर्डिक आर्यन था, ये लोग माना जाता है दुनिया अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ऐसा करते, समझ रहे ना। इंडिया में ये माना जाता है कि जो बताया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आर्यंस जो थे वही बड़े थे, और आर्यंस यूरोप से आए थे, ठीक है। अब जाके अभी हिस्ट्री बदल दी गई है, अब बिल्कुल इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ये प्रूफ है कि आर्यन कहीं से नहीं आए थे, आर्यन यही के थे, ठीक है ना, और ये आर्यन सभ्यता भारत की थी, कहीं बाहर की से आए हुए नहीं थे। नॉर्डिक आर्यन, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं देता, अपनी जाति को महत्व देता। एक अच्छा, मैं आपको आपको समझा दूं, थोड़ा किसी को बुरा ना लगे, जस्ट फॉर अ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपने हमेशा समाज में देखा होगा ना, जो फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं वही जात पात ज्यादा करते हैं, मैं बाबन हूँ, वो ये है, मैं जाट, समझ रहे ना, फॉरवर्ड कास्ट में ऊंची जाति वाली, ये समाज, मतलब ये आप नहीं करते, ये हम नहीं करते, ये समाज ही ऐसा है। और ये समाज केवल हमारे यहाँ का नहीं है, दुनिया का कोई भी समाज, आपको क्या पता है मुसलमानों के अंदर भेदभाव नहीं होता? अरे मुसलमानों में बहुत जात पात का भेदभाव है, उनमें ना बहुत भेदभाव होता है, मुस्लिम लोगों के अंदर भी कास्ट और क्रीड होता है बहुत सारे, ठीक है। तो जो ऊंची जाति वाले होते हैं वही हमेशा मतलब नीची जाति वालों पर अत्याचार करेंगे। अब जो समाज में पहले से ही जैसे बैकवर्ड क्लासेस के रूप में जिनको माना गया या सदियों से समझा गया उनको, जो दलित वर्ग था, वो तो कभी, वो किस बात पे कूदेगा, समझ रहे ना, वो किस चीज का भेदभाव करेगा, वो उसके साथ तो खुद भेदभाव किया जा रहा है। तो नीची जात का अगर हिटलर रहता तो भेदभाव करता ही क्यों, उसके साथ दुनिया भेदभाव करती, बात समझ रहे ना। नाडी कारण था, बस बात करता नहीं, बिल्कुल नहीं। नाडिकारियन क्यों मारेगा जबकि खुद नाडिकारियन था? बिल्कुल मार सकता था। यहाँ पे है ना, आप केवल जबरदस्ती कास्ट सिस्टम को घुसेड़ रहे हो, यह कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। हिटलर को केवल अपने अपमान का बदला लेना था, वो चाहता था उसकी फौज में ऐसे लोग हो जो एक आवाज पे, एक बात पे उसके लिए गले कटवा ले। पहली बात, ज्यूस लोगों को मारना उसकी एक तरह की है ना, उसका एक प्रोपोगेंडा था। प्रोपोगेंडा का मतलब ये हुआ, या आप डेटरेंस कर सकते हैं, वो जान करके लाखों लाख आदमी को मरवाता था ताकि दुनिया खौफ खा जाए उससे, उसके देश में कोई भी आदमी की हिम्मत ही नहीं हो कि हिटलर के खिलाफ एक भी आवाज उठा दे। उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई मतलब नहीं था,
बस दुनिया को डराने के लिए सब फालतू काम करता था, समझ रहे हैं? पहली बार अगर आर्यंस की बात करें तो मैंने आप लोगों को समझाया था, वो जो भी नॉर्डिक आर्यन थे, यूरोपियंस थे, जो यूरोपियन कल्ट के थे, उन लोगों को कैंप में रखता था और उसको क्या करते हैं, एक तरह से वहीं पर जो बच्चे पैदा होते थे वहीं पे कैंप में रहना होता था, और बचपन से ही उनको नाजी पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाता। छोटा बच्चा अगर मान लो 2 साल का होगा, उसी समय से उसके माइंड को माइंड ब्रेन वॉश करते रहे, ठीक है ना, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बिल्कुल आपके हाथ में, जिस तरह अफगानिस्तान में और कहीं पर भी होता है, उस तरह से था। कॉन्सेप्ट दाएं बाएं मत लीजिए, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए, इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, मर्ज टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। उसने सोचा 1923 में, हिटलर ने सोच लिया कि अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे सत्ता में आगे बढ़ा जाए। उसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट था, सारा का सारा उसने बिल्कुल प्लानिंग कर रखा था कि कैसे कैसे सत्ता तक पहुंचना है, और जर्मनी की सरकार पूरी ताकत जब हमारे मुट्ठी में हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फिर हम जर्मनी को फिर एक वर्ल्ड पावर बनाएंगे और पूरी दुनिया से अपने अपमान का रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, समझ रहे ना? हुआ क्या, अच्छा हमसे ऐसे करते हैं हाथों को डर लगता है, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो बावरिया जो था मैंने ऐसा ही है, ठीक है ना, 1923 में हिटलर ने उस पर कंट्रोल किया और वहां पे जीतने के बाद इसके पास पावर आ गई और भी सेना आ गई और इसने बर्लिन की तरफ कैप्चर करने के लिए मार्च किया कि हम जाके बर्लिन को कॉन्कर कर लेंगे। दिक्कत हो गई, ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। हार गया, पकड़ लिया गया और इसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन आगे जाकर के फिर वे छूट गए। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930. नाजी पार्टी जो इसने बनाई थी, आपको पता है 1919 में प्रारंभ हुआ था, 1919 में, और ये ईयर हो गया 1930। 21 साल तक आम लोग या आम जनता का कोई सपोर्ट इसको नहीं मिला। अच्छा 11 ईयर तक, लेकिन इसके बाद इसको धीरे धीरे जनता का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि जनता पहले जानेगी तब ना कि आप हो क्या, आप क्या करोगे, आप हमारे सोसाइटी समाज के लिए क्या करोगे, तभी तो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट। जब लोग भूखे मरने लगे और कीड़े मकोड़ों से भी खराब उनकी स्थिति हो जाएगी ना, तो जो चीज उनको क्या कहते हैं आशा की किरण दिखाएगी, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कोविड का दौर था, पिछली बार वाला, इस बार वाला नहीं, तो देख रहे हैं ना ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, कितनी मारा मार रही थी। अगर किसी के घर में कोई पेशेंट हो जाए, है ना, मान लो किसी दुश्मन के घर में, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो बाई एनी हाउ और एनी कॉस्ट वो उसको चाहिए तो चाहिए, वो कहीं से भी लेगा। जो आदमी बोल दे हाँ भाई यहाँ आ जाओ तुमको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो आप समझ लो उसके लिए भगवान से बड़ा है। यही हाल हुआ जर्मनी में। जर्मनी में ये जो ग्रेट डिप्रेशन का ईयर था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, मैंने बताया था, है ना, देश की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी, लोग है ना कूड़े की गाड़ियों में, जो ये कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी होती है, रेडी जो होती है, ठेलों में भर भर के पैसे लेके जाते थे, इतनी ज्यादा वैल्यू करेंसी की गिर गई। और आगे जाके मैंने आपको बताया था, कौन बच्चा बता देगा कि कौन सी योजना या स्कीम के द्वारा अमेरिका ने जो सपोर्ट किया था, मदद की थी जर्मनी की, वो कौन सी स्कीम थी, उस योजना का नाम क्या था? दिमाग पे जोर डालिए, देखें किसी को याद है भी कि नहीं। बोलिए, था ना वो योजना एक, ठीक है कल बता दीजिएगा हमको। अब पूछो ऐसा डायलॉग मैंने क्यों मारा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, कैसे भूल गया मैं भूलता नहीं हूं जल्दी। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखिए
देख लू मैं, मेरे याद होगा शायद वो कैसे मिस कर लिया, क्योंकि आपको पता है क्या प्रॉब्लम होगी मेरे माइंड के साथ, क्योंकि सेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत पूरे यूरोप को फंडिंग की थी। अब एक वो योजना है और एक ये यहां पर है, तो इसकी ना खिचड़ी दिमाग में घूम गई, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। चलिए कोई नहीं, याद आ जाएगा, उसमें लिखा होगा, आगे देखेंगे। हुआ क्या, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और यहां पे क्या हुआ कि जनता में हाहाकार मच गया। इससे एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि जब जर्मनी बिल्कुल तबाह होने लगा तो इसकी मदद के लिए अमेरिका आ गया था, याद है ना, अमेरिका आ गया, उसने लोन दिया, सब कुछ ठीक था, हो रहा था काम, लेकिन ऐसा वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का ही ना बिल्कुल एकदम तबाह हो गया। मैंने आपको बताया भी था क्या हुआ था, रातों रात सब लोगों ने अपने शेयर्स खरीद लिए और बिल्कुल पूरा विश्व अर्थव्यवस्था ही एकदम धाराशाही हो गई। ठीक है जी, अमेरिका कारण था इन सबों का, और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण जर्मनी को फंडिंग देने वाला या जर्मनी को पैसे देने वाले भी लोग नहीं रहे। अब यहाँ और भी हाहाकार मच गया, एक तो पहले से मरे हुए थे, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल भी रहा था वो भी चला गया, तो इस दौर में जनता उस आदमी का साथ देती जो भी उसको इन स्थिति से निकाल देता, ठीक है ना, और इसका फायदा नाजी पार्टी ने उठाया। नाजी पार्टी हिटलर की थी ना, नाजीज, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज्म बिकम अ मास मूवमेंट। नाजीज्म एक सोच थी, नाजीवाद हिंदी में, या नाजीज्म, नाजी पार्टी की जो सोच थी उसको नाजीवाद या नाजीज्म कहा गया। 1930 से ये रिदम में आया। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज्म बिकेम द मास मूवमेंट। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेसमैन शट डाउन, बिजनेसेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंड विद डिस्ट्रीब्यूशन। मिडिल क्लास क्या होते हैं, जो सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, है ना, छोटे मोटे जॉब करते हैं, उनको भी नौकरियों से निकालने का खतरा होने लगा। जो लोग मजदूर थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको भी फैक्ट्रियों से, अब फैक्ट्री बंद होगी तो आप क्या करोगे, आप भी बाहर हो गए, ये बड़ी समस्या पैदा होगी। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। प्रोपेगेंडा मतलब होता है झूठा प्रचार, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरह आपको दिखा करके, उस चमक को दिखा करके आपको एक झूठे दिलासे में रखा जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं, आप एक झूठा प्रचार को प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसे प्रोपेगेंडा की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी दे रखी है, वो भी बताएंगे आपको। टेंथ क्लास को, फाइव टू सिक्स टू सेवन, अच्छा मैं मैसेज किया था उसको, हाँ ये, अच्छा उसको लग रहा है मैंने ज्वाइन नहीं किया है उसमें ग्रुप में, इसीलिए उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक ठीक कर देंगे। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German Parliament. याद रखिएगा यह नाम, Reichstag जो था वो German Parliament का नाम था, जर्मनी की संसद का नाम था। और 1928 में जो parliamentary election हुआ या संसदीय चुनाव हुए, उसमें Nazi Party को 2.6% भी वोट नहीं मिला। बेटे please शांति बनाए रखिए। जर्मन बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स, याद रखिएगा 1928 में तो 2.6% भी वोट नहीं मिले, उतने ही मिले, लेकिन जैसे ही 1932 का ईयर आया, दो तीन साल बीते, तो इसको 37% वोट मिला और ये पूरी जर्मनी के पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। याद है आपको वाइमर रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस वोटिंग होगा, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी अब तक, ठीक है ना, और हिटलर ने भी लड़ करके हमला करके नहीं जीत पाया, तो इसने भी डेमोक्रेसी का सहारा लेकर के ही पावर में आया। अब देखिए क्या हुआ,
इतना आदमी है भाई, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. मैंने उस दिन भी बोला था, ये जब वोटिंग जैसे ये भाषण देता था, जब स्पीच देता था ना, तो मतलब सामने वाला आदमी का खून उबल जाए अगर इसका भाषण सुन के किसी को हाथ में कट्टा दे दो तो आगे जाके किसी का मर्डर कर दे. इसकी आवाज में इतनी शक्ति थी. एक ये था और दूसरा था आपका मुसोलिनी इटली का, उसके अंदर भी ऐसे ही मतलब की चमत्कारिक शक्ति थी बोलने की. मैंने एक भगवान ने दिया ही था इसको ऐसा गुण. इतना अच्छा काम करा है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ रहता तो जर्मनी को फिर से अपमान का बदला मिलता कैसे? आप ही के देश पर अगर इतना बड़ा आपसे अपमान किया जाता तो आप तो किसी न किसी तरह बदला लेते ना. वही बात था. बुरा मानने वाले कौन है? आप किनका, आप किन किस देश के गुलाम थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के गुलाम है हम लोग अभी भी हर तरह से, ठीक है ना. तो हम लोग इतिहास कौन सा पढ़ते हैं? भारत सरकार का? बिल्कुल भी नहीं. ये सारा का सारा इतिहास उन्होंने लिखा था और उसको देख करके हमारे एनसीईआरटी वाले रिक्रिएट करके लिखते हैं. एक भी वर्ड दाएं बाएं नहीं लिखते जान करके कि किसी के सेंटिमेंट को ठेस ना लगते, समझ रहे ना. और दूसरे इतना नहीं सोचते, वो सही बात लिखेंगे. सही बात लिखते जित हमारे इंडिया में हिस्ट्री को लेकर रिसर्च जो भी हुई है, क्या रिसर्च है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट था उसी को देख करके उसी हिसाब से लिखा गया सारा इतिहास. अब उधर मत जाइए, इधर आइए. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सायल ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. कहा कि फ्यूचर में एक शक्तिशाली देश बना के देंगे, वर्साय की संधि का अपमान लिया जाएगा, ठीक है, और जर्मनी के लोगों का जो ये गरिमा गई है या प्रतिष्ठा गई है जर्मनी की, उसको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. मतलब कि जो भी काम चाहता है उसको काम मिलेगा और जितना भी यूथ है आगे उसका फ्यूचर सिक्योर होगा. हम तो एकदम हिटलरवा की तरह बोल रहे हैं आज. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. Conspiracy का मतलब होता है षड्यंत्र का, कि विदेशों का कोई भी बाहरी देश का या विदेशी सरकार का जो भी प्रभाव हमारे देश पे होगा उस प्रभाव को हम खत्म करेंगे, ठीक है ना. उनका किसी भी तरह के कंट्रोल को, जो भी कंट्रोल हमारे कंट्री पे, सब कंट्रोल को तोड़ा जाएगा, पहली बात. और दूसरी बात, आगे से उनके किसी भी षड्यंत्र में हम लोग शामिल नहीं होंगे या उनके सारे षड्यंत्रों का जवाब दिया जाएगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के साथ इतना बड़ा अपमान किया गया था, इन्हीं विदेशी जो देश थे अलग देश, उन्हीं के षड्यंत्र का तो ये प्रभाव था. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन, ठीक है. वो जानता था कि लोगों के दिमाग में कैसे प्रवेश किया जाता है, लोग चाहते क्या. आपको पता है सबसे अच्छा स्पीकर कौन होता है? आप जो सुनना चाहते हो ना वो वही बोले, यही है सबसे अच्छा स्पीकर. मास्टर स्पीकर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जो नहीं चाहते वही मास्टर बोलता है ना. मम्मी तो कभी नहीं, ठीक है, मम्मी पापा दादी गए तुम तो वही बात है. तो ये अच्छा स्पीकर कौन होगा? नेताजी. और बेटा ठीक हो, देखो कलेक्टर बनोगे तुम, 18 होते ही वोट यही डालना है तुम्हें. सर्दी तो है ही नहीं. हाँ, तो सरकार में नियत थी ना, और आपने की नहीं है. मैंने बोला नहीं मास्टर अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता. जा सकती बेटा, तुझे हो गया तेरा टेस्ट? सर बिल्कुल नहीं खेल. देखिए ये बड़े बड़े रैलियां करता था और उसमें अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था, एक डिसिप्लिन दिखाता था, जिस तरह से कैसे सैनिक हैं, किस तरह से एक बात पे पूरे हाथ उठा के संबोधित करना इस तरह से, और उसका बात करने का तरीका, इससे जोश से भर देता था सारे पब्लिक को. एंड पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड स्टील अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द पीपल. ये जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी
अब जिस रैली में जितने ज्यादा नेता, पप्पू आए तो कोई ना आए, मोदी जाए तो पूरी दुनिया आए, समझ रहे ना? तो यही बात होती है, एक नेता कितनी भीड़ जुटाता है, वो उसका सपोर्ट दिखाता है ना। अगर कोई भीड़ गया है तो उसको सपोर्टर ही तो गया होगा। अब मान लीजिए कि जो कांग्रेस का सपोर्टर बीजेपी में थोड़ी जाएगा और बीजेपी का सपोर्टर कांग्रेस में नहीं जाएगा, तो वही बात है। जान के हिटलर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करता था ताकि दुनिया को, सबको पता चले कि हिटलर के पीछे कितना लोगों का सपोर्ट है, ठीक है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर। जो भी ये तरीके थे, लाल कलर का जो स्वास्तिक का निशान है उनके झंडे पे बना था, और ये संबोधित करने के एक हाथ ऐसे उठा करके अपने पिक्चर में दिखाओ करते थे, और जिस तरह से स्पीचेज के बाद राउंड होके तालियां बजाते थे, ये सारे इनके तरीके थे। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुल्ली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समहाउ समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, ठीक है। हिटलर को लोगों के मन में मसीहा बना दिया गया, ठीक है ना, कि अब हिटलर जा सकते। किया है आपने सारा क्वेश्चन? नहीं सर, जाइए और क्या करें, मनु बिल्कुल देना ही आप लोग को। कल मेंसुरेशन क्या है ना, पूरे जितने भी एक्सरसाइज है सबका फिर टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, मेंसुरेशन का सारे एक्सरसाइज का। क्या डाउट हटा के, मतलब मेंसुरेशन करा रखा है मैंने, तो आप वीडियो देखिएगा, जब मैंने करा रखा है तो क्यों फिर डाउट्स, आप वीडियो देख के आइए, मैं नहीं करा रहा। देखिए, इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हुज वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। दुनिया एकदम बिल्कुल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से। हाँ जा बेटा, तू थक गया होगा, जा बना के लाना है, मैथ करके लाना है और टाइम पे आना है, ठीक है ना। हिटलर बिल्कुल, अब सब लोगों को यही दिखाना कि हिटलर ही हम लोग को बाहर निकाल के ले जा सकता है। हिटलर जो बात कहता था वही बात कहता था जो जनता की प्रॉब्लम थी, जनता की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता था, तो सब लोगों की उम्मीद जगी कि हिटलर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, हिटलर इसी का तो इंतजार कर रहा था कि एक बार पूरा सपोर्ट मिले तो इस सारी व्यवस्था को खत्म करके हम अपनी आइडियोलॉजी मीन्स नाजीवाद या नाजीज्म को ही पूरे देश की पॉलिटिक्स का रास्ता बना दें। 30 जनवरी 1933 मतलब 30 जनवरी 1933 का दिन था, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, उस समय याद रखिएगा जर्मनी में जब हिटलर पावर में आ रहा था तो पूरे जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था वो हिंडनबर्ग था, नाम याद रखिएगा, हिंडनबर्ग, बिल्कुल सही। ऑफर द चांसलरमैनशिप, चांसलरशिप कहा हिंडनबर्ग ने, कहा कि तुम चांसलर बन जाओ भैया, ठीक है, द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्टरों जितने भी मंत्री थे उसमें सबसे बड़ी जो ये पोस्ट थी, हाइएस्ट पोजिशन थी, वो चांसलरमैनशिप ही थी। टू हिटलर, बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली टू कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, हैविंग रिक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इन डेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। हुआ क्या, हिटलरवा ने कोई भूत छोड़ा और उससे आग लग गई पूरी की पूरी पार्लियामेंट में, मिस्टीरियस मतलब कि एक रहस्यमय आग लग गई, पता ही नहीं चला कहां से लगी। उससे क्या हुआ कि इसको और भी ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में करने का मौका मिल गया,
इसने वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोल नहीं सकते जो भी मन में है, प्रेस की आजादी छीन ली और साथ ही साथ असेंबली की मतलब सभा सम्मेलन करने की भी आजादी छीन ली। अरे मजबूर था बेटे, वो नहीं करता तो उसको अगला काट देता हिटलर और फिर उसकी गुद्दी पे मुक्का मारता रहता। ज्यादा दरिंदे जो होते अब बोलना तो नहीं चाहिए माता की बात है, लेकिन माँ काली भी ऐसा ही करती, गला काट के ना ऐसे करके, है ना, देखा भी होगा आप लोग, मैंने देखा कि मैंने पर्सनली तो खुद नहीं देख सकता मतलब टीवी उबी में, है ना। अब जिसकी मुंडी कटी वो जाने, हम लोगों तो स्वाद ही आ रहा है देख करके गिलोटीन। मैंने क्या फ्रांस वाले करेंगे यार, हम लोगों के शास्त्रों में तो कब से गिलोटीन हो रहा है, वो गिलोटीन ही है, बस ये है कि वो मैनुअल था ये थोड़ा और वो टेक्निकल, टेक्नोलॉजी के हिसाब टेक्नोलॉजी बदली ना आगे जा करके, तो माता के जगह पे है ना वो क्या कहते हैं ब्लेड आ गया भुजाली की जगह, लेकिन वो भुजाली वाला जो साथ काट के एकदम मुंडी लेके ऐसे ऐसे करना वो स्वाद ही अलग है ना, स्वैग वाला। अब बेटे उसके लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, हम तो पुरुष है ना, काला। चले देखे हिटलर के बारे किसी भी बुक में ना, हिटलर के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये माना जाता है एक एकेडमिक स्टूडेंट के लिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा हिटलर की आइडियोलॉजी आपको पढ़ा दी जाए, समझ रहे ना, तो हो सकता है कि समाज में एक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, हर समय हर सिचुएशन में हर टाइम पीरियड में सामाजिक समस्याएं तो होती है, समाज में प्रॉब्लम तो रहता ही है। अगर मान लीजिए कि कोई भी यूथ अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया नाजिज्म को लेके सपोर्ट करके उस रास्ते पे चल पड़ा तो समाज ही तबाह हो जाएगा, देश में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए किसी भी देश के एकेडमिक्स बुक में कभी भी नाजिज्म को बहुत ही कम करके पढ़ाया जाता है, समझ रहे ना, और हर समय गलत तो है ही, इतने लाखों लोगों को काटना मारना तो गलत तो था ही। हिटलरवा के बारे में जीवनी नहीं, इतनी मोटी बुक भी हिटलर पे पढ़ सकते हैं। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर रिपब्लिक मतलब वाइमर गणतंत्र, गणतंत्र होगा तो एक संविधान भी होगा, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर संविधान, उसमें दी गए सारे अधिकारों को इसने छीन लिया। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ होम वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लाइज कंसेंट्रेशन कैंप। The repression of the communist was savior out of the serving 6,808 arrest file of Duesdorf, a small city of 500,000 population. 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 type of victims prosecuted by the Nazis across the country. जितने भी दूसरी पार्टी के थे, याद रखिएगा कम्युनिस्ट लोगों से बड़ा नफरत करता था हिटलर, हिटलर बोलता था कि जो नाजी नहीं वो कोई नहीं, जो नाजी है वो रहेगा, जो नाजी नहीं है वो चैम्बर चलो गैस चैम्बर हुआ, ले गया सबको, किया गिलोटीन इनका, कुछ नहीं लंबे चौड़े मुस्टंडे बने रहिए, ले जाएगा आपको लड़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नाटिक आर्यन होना जरूरी था, जो उच्च कास्ट के थे वहां पे नॉर्डिक आर्यन थे, उन्हीं को वो अपने क्यों रखता था, जो भी बीमार हैं, कमजोर हैं, बुड्ढे हैं, नॉर्डिक आर्यन उनको भी मरवा देता था, याद रखिएगा आप इस बात को। नॉर्डिक आर्यन एक तो ज्यूस लोगों को जो थे, यहूदी थे, उनको तो मरवाया ही इसने, जितने भी पॉलिटिकल इसके कॉम्पिटिटर थे जो दूसरे थे उनको भी मरवाया, साथ ही साथ याद रखिएगा जो लोग भी कमजोर थे, बीमार थे या किसी तरह से लड़ने के लायक नहीं, अगर आप लड़ने के लायक होंगे तो नहीं रहो, आपको खत्म कर दिया जाएगा, देश पे बोझ, हमें बोझ लेके नहीं चलो। और कुछ दो तीन बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। बेटे राजा चाहे एक टांग का हो, वो राजा है ना, बात ही खत्म, लीडर तो लीडर है ना, वो थोड़ी जाके लड़ेगा, वो तो कमांडर है ना। देखिए ऑन 3 मार्च 1933 हम सुने कहीं 9 मार्च का ना दे मेरे ही डेट के दिन किसी को करना दिए गिलोटीन ये। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस
एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ट. एनेबलिंग एक्ट क्या था याद रखिएगा, एनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 को हुआ था. हम तो हाथ ही नहीं निकाला. दिस एक्ट एस्टेब्लाइज डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. इस कानून के बनने के बाद पूरे जर्मनी में तानाशाही शासन प्रारंभ हो गया, डिक्टेटरशिप आ गया. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. अपने आदेशों के द्वारा वो पूरा सरकार और देश चलाने के लिए एलिजिबल हो गया, योग्य हो गया इस कानून के बनने के बाद. अब उसको संविधान के हिसाब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही. ठीक है. All political parties and trade union were banned except for the Nazi party and its affiliates. जो लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे या नाजी पार्टी में थे वही लोग केवल पॉलिटिकल पार्टी में रहे, या उन्हीं लोगों की यूनियन या ट्रेड यूनियन बन सकती थी. ठीक है ना, मतलब कि समझते हैं ना ट्रेड यूनियन क्या होता है. जो मजदूर वजदूर होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, वो अपना एक संगठन बनाते हैं, उसको ट्रेड यूनियन कहा जाता है. तो वो ट्रेड यूनियन के वही बना सकते थे जो नाजी पार्टी की था, और दूसरा कोई नहीं बना सकता. छुप छुपा के, और वो भी अधिकतर मारे ही गए, समझ रहे ना. मतलब बचे रहे मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं मुझे पता होता है कि मैं युद्धी हूँ आजाद देख लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते थे ना. फिर मारपीट हो सकती. अरे डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला पढ़ा नहीं था आप लोगों ने, एनी फ्रैंक 10th में बेटे. अच्छा सॉरी, एक साल बाद पढ़ेंगे. वो एक यहूदी लड़की थी, वो किस तरह से उस दौर में रही जो एक ही घर में 50-50 लोग रहते थे, छुप के रहते थे, या मान लीजिए कोई जर्मनी का ही दोस्त हो उसने सपोर्ट करके बचा के रख लिया हो, तो किस तरह. वो अपनी डायरी लिखी छोटी बच्ची ने, पढ़ना है आप लोगों इंग्लिश की क्लास में. देखिए, द स्टेट स्टेबलाइज्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. सब पे कंट्रोल हो गया. स्पेशल सर्विलेंस and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted. Nazi log jaisa sarkar ya jaisa samaj chahte the usi hisab se chale. Koi vidroh to nahi kar raha, koi andar andar koi conspiracy hai sadyan to nahi kar raha. Jasooson ki fauj phaili hui thi, pata chalte hi gaye, samjhe na. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the storm troopers, the includers of Gestapo, secret state police, and SS, the protection squad, criminal police, and the security services. Kitna branch bana diya re. It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. People could now be detained in Gestapo torture चैम्बर. गैस टेपो मतलब गैस चैम्बर, बंद करके गैस छोड़ देगा मतलब मरने वाला. राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, द पुलिस फोर्सेस रिक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी. मतलब पुलिस को इतनी पावर थी, जहां शक हुआ कि आप सरकार के खिलाफ पकड़ेंगे गैस चैम्बर, पकड़ेंगे गैस चैम्बर, कंसंट्रेशन कैंप वहां गिलोटिन, यहाँ चैम्बर. गैस बना लेते थे. पता नहीं उसी जर्मनी ने इतने ज्यादा वेपन्स बनाए, इतने ज्यादा हथियार बनाए कि दुनिया सोचती रही कहां से इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ रही. जर्मनी ने 1945 का साल था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, जर्मनी के बगल में पोलैंड आगे आएगा थोड़ा, 4 मिनट है तो मैं थोड़ा जी. जर्मनी की तो है, और वो हिटलर के दौर में था. हाँ, मतलब 3 उस टाइप पर. मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा था, इंग्लिश में था. आ जाओ अंकल को बैठने दो. आगे बैठो.